पांच बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। गारंटी लेता हूँ तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान है। पांच चीजें बुद्ध ने कहा पांच चीजें छोड़ दो, 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में, यह एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। यह मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने यह छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाव, अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके, और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर मां बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, सर ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा खींच के। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत, ये क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरा जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम, ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए, गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ,